एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ एसेंट। जब भी ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो मैं बार बार डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, कोई मर्जी पार्ट आ जाए आपने ये डायग्राम तो हर हालत में ड्रॉ करना ही करना है, चाहे एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट आए, चाहे टाइम ऑफ असेंट आए, डिसेंट आए, रेंज आए, कुछ भी आए, ये डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ एसेंट के अंदर आपको जो इक्वेशंस अप्लाई करनी है वो यहां से यहां तक करनी है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट। अब इक्वेशन या तो एक्स एक्सिस में लगेगी या इक्वेशन वाई में लगेगी। अच्छा, कोई कहता है मैं एक्स में लगाऊंगा, जब वो इक्वेशन एक्स में लगाएगा तो इक्वेशन में क्या लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी टी, पर आपको x एक्सिस का डिस्टेंस तो पता ही नहीं तो मत लगाओ, आपको क्या पता है y का डिस्टेंस पता है, तो आप क्या लगाओ y एक्सिस में। तो y एक्सिस में यहां से यहां जाने में इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल में v sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो, और डिस्टेंस कितना कवर किया y एक्सिस में hm, और टाइम टेकन कितना है t1। तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए फाइनल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन माइनस जी क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, रिटार्डेशन है, और टाइम टेकन टी वन, तो अप्लाई करो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो, इनिशियल वी साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी इनटू टी वन, तो सॉल्व करके क्या जाएगा टी वन, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला नोट करो, वी साइन थीटा बाई जी फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला नोट करो इसे। ठीक है, यहां तक टाइम ऑफ एसेंट के बाद टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब जर्नी क्या लेंगे, यहां से यहां तक, ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर से नीचे तक पहुंचने में टाइम को क्या लिखते हैं टी टू, टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर से नीचे आने में इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहां पर जीरो जीरो, तो यहां से यहां आने में डिस्प्लेसमेंट कवर कितनी है एच एम, तो एक्सेलरेशन प्लस जी, तो लिखें इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्योंकि यहां से यहां में फाइनल वेलोसिटी जीरो और सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, राइट। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितनी एच एम, एक्सेलरेशन कितनी नीचे की तरफ जी, टाइम कितना टी टू, तो क्या अप्लाई करेंगे नीचे की जर्नी में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह एच एम जीरो हाफ जी टी टू स्क्वायर, सॉल्व करके क्या आ जाएगा टी टू, एच एम का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर निकाला क्या, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, टू से टू कैंसल, जी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर, तो आंसर क्या आ गया सेम, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। क्लियर है यहां तक, टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आने में लगाएगी उतना टाइम प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गिरने में लगाएगी, तो लिख लेना फॉर्मूला रजिस्टर में, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला सेम। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम कितनी देर हवा में बॉडी रही, दैट इज टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, तो टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट पता है आंसर टू वी साइन थीटा बाय जे, इसका फॉर्मूला नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम ऑफ फ्लाइट का।